के गर्भगृह के अंदर की सबसे नई तस्वीरें सामने आई, जिसमें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य और निर्मोही अखाड़ा के महंत देनेन्द्र दास और पुजारी समेत सुनील दास गर्भगृह के अंदर पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर गर्भगृह की परिक्रमा करते हुए आपको नजर आएंगे महंत। लगभग तैयारियां जो है पूरी करने की जो कोशिश है वो आप लगातार तस्वीरों के जरिए देखेंगे, रोजाना ही इस प्रकार का नजारा। लेकिन चूंकि गर्भगृह है तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिल रहा है, पहली बार पूजन अर्चन। ट्रस्ट के सदस्य यहाँ पर मौजूद थे, निर्मोही अखाड़ा के महंत देनेन्द्र दास भी पहुंचे, पुजारी समेत सुनील दास गर्भगृह के अंदर पूजन अर्चन करते हुए। सभी को इंतजार है कि रामलला यहाँ पर विराजमान हो और उसके बाद आरती की वही भव्य तस्वीरें आपको देखने को मिले। लेकिन गर्भगृह जरा देख लीजिए, रामलला यही विराजने वाले हैं, उससे पहले निरंतर पूजन अर्चन जारी है। ये माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द रामलला की मूर्ति भी गर्भगृह में प्रवेश करेगी। उसके बाद विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव आप देखेंगे 22 जनवरी को। लेकिन उससे पहले का ये भव्य नजारा, गर्भगृह की एक झलक पाने के लिए निश्चित तौर पर आप बेचैन होंगे, क्योंकि जो कलाकृतियां वहां पर नजर आ रही हैं बहुत ही खूबसूरत। अयोध्या मंदिर यूनिवर्सल पीस सेंटर, नो भारत, ऑल ओवर द यूनिवर्स, कोड़ी कोड़ी अखिलांड कोड़ी ब्रह्मांड नायक अयोध्या, कोर कोर यूनिवर्सल हेड प्लेस इज अयोध्या। दैट वाइब्रेशन नो इंडिविजुअल, होल वर्ल्ड पीस वाइब्रेशन, दैट्स अ रामा वाइब्रेशन। हाउ मेनी पीपल्स योर कम फ्रॉम अयोध्या? अयोध्या मेनी मेनी पीपल, सम रूल एंड रेगुलेशन इन प्राण प्रतिष्ठ, आफ्टर प्राण प्रतिष्ठ लॉट ऑफ पीपल आएगा। दैट डे 100 पीपल, प्रीस्ट ऑल द स्वामीजीस, केरला रिप्रेजेंटेशन। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बैतूल जिले की, जहां बुलडोजर एक्शन हुआ है। कार्रवाई के दौरान बहस भी हुई, अतिक्रमणकारियों से बहस को लेकर जानकारी सामने आ रही है, और इसलिए पुलिस बल की मौजूदगी रहती है कि जब जब अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हो तो पुलिस मोर्चा संभालने के लिए वहां पर मुस्तैद हो। लेकिन हो सकता है कि शायद पुलिसकर्मियों की कमी के चलते आक्रोश बढ़ता चला गया। तस्वीरें देखिए बैतूल की, बुलडोजर कार्रवाई चल रही थी लेकिन उस दौरान अतिक्रमणकारियों की तरफ से इसका विरोध किया गया। पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद ये सब चलता रहा, हैरानी वाली बात। अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा तब जाकर मामला शांत कराया जा सका। तस्वीरें हम आपको निरंतर दिखा रहे हैं, भीड़ की मौजूदगी, लगातार इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा था। लेकिन हो सकता है कि पहले नोटिस का जवाब ना मिला हो, इसके चलते बुलडोजर एक्शन की नौबत आई। और बैतूल का जिक्र एक बार फिर से, जहां भारी भरकम बिजली के बिल नहीं जमा करने के बाद कनेक्शन कटने से नाराज शहरी क्षेत्र के किसानों ने प्रदर्शन का रास्ता अपनाया। 217 से ज्यादा किसान गाय के ऊपर बैनर लटकाकर बिजली कार्यालय पहुंचे, विभाग से सही बिजली का बिल देने की मांग रखी है। किसानों की अगर माने तो उन्हें शहर के टैरिफ के हिसाब से बिजली बिल दिया जा रहा है। बैतूल की घटना का जिक्र करें, जहां परेशान गौ माता की जय।